मंत्री का चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री का चुनाव है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय नेता है, देश के बहुत बड़े नेता है। कद काठी के हिसाब से कोई मुकाबला दूसरा उम्मीदवार का नहीं है, किसी भी लिहाज से नहीं है, ना भाई काम करने के हिसाब से और ना छवि के हिसाब से। कहा मुख्यमंत्री और सांसद तो दुनिया बढ़ेगी, 543 बढ़ेगी। तो बड़ा नेता को जितनी वोटा तापा जिताओगे उतना बड़ा मान सम्मान होगा। और 4 महीने पास मुख्यमंत्री बनकर आपके बीच में आओगे, मुख्यमंत्री का इलाका आप समझो किसा इलाका हो जाए, ठीक है ने? तो इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हुड्डा साहब के काम को देखते हुए जो 10 साल की सरकार में उसने किए किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अगर तुलना करा तो किसी भी पार्टी से, किसी भी सरकार से इतनी जनहितैषी सरकार कोई भी नहीं बनी आता। जहां प्रदेश का स्वाद है, किसानों की बात आई, जीरी सबसे महंगी, फसल के उचित भाव जो मिलने चाहिए वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेम में मिले। और इसी तरीके से कर्जा माफी, ब्याज माफी, बिजली के बिल माफ दिए, जितना बजट था उतने बराबर तो बिजली के बिल माफ कर दिए। 1600 करोड़ रुपए 2000 का बजट होता था साल का। और जब दलित और पिछड़ा वर्ग की बात आई, 100 वर्ग गज के प्लॉट पंचायती जमीन में काट कर अपने भाइयों को दिए, एक अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वजीफा राशि योजना शुरू करी, जिसमें फ्री में शिक्षा, साथ में पैसे भी देती थी सरकार, साथ में भोजन फ्री, और आम आदमी के लिए, गरीब दलित और पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए राशन अनाज सस्ता, मनरेगा स्कीम लेके आए ताकि काम की दिक्कत ना हो, शोधन का रोजगार कंपलसरी कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे काम दलित और पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए किए। और अब फैसला लेके आए, अब लेके आए हैं, वायदा किया जनता से कि 72,000 रुपए सालाना जो वो हर घर में मिलेंगे जो गरीब तबके के आदमी है, ताकि गरीबी खत्म हो, ताकि बराबरी आ जाए, सब में गुजारा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए एक ऐसी सरकार, और बराबर में 5 साल का इतिहास आपने देखा किस तरीके से भाईचारे को आपस में लड़वाया, जिस प्रदेश में जिस स्थिति थी वहां ऐसा काम किया है उन्होंने, हिंदू मुसलमान को जान जात पात की थी उस हिसाब से लड़वाया। तो जनता चाहती है कि जो शासन 10 साल के टाइम था वही शासन जो है इन दोबारा आ जाए, ताकि उसी तरीके से किसानों के काम हो, दलितों के काम हो, पिछड़ा वर्ग के काम हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपना सबका फर्ज और धर्म बनता है कि इतने महान नेता अपने बीच में आए हैं, उनको पूरा तरह से 36 बिरादरी के लोग समर्थन करें। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करने ही आया हूं। एक तो कल हुड्डा साहब सौभाग्य की बात अपने गांव में आ रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए आप पॉइंट तय करो ताकि उस जगह पे सारा गांव इकट्ठा हो जाए, वो आए और उनकी स्वागत करें, आप पगड़ी से स्वागत करें, फूलमालाओं से स्वागत करें, और उनको भरोसा दिलाए कि मोरखी गाँव से हम जिता के आप भेजेंगे, ताकि उनका भी हौसला बुलंद रहे, क्योंकि समय का अभाव है। उन्होंने सारे देश में प्रचार किया, अब भी 10 की 10 सीटों पर वो प्रचार कर रहे हैं, साथ में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए समय भी बचाना है उनका, और भाई बात भी सुननी है और स्वागत भी करना है। एक तो सलाह करके ये बताओ कौन सी जगह ठीक रहेगी, और दूसरा आज 5 बजे सारे वर्कर इकट्ठे होके सारे काम में एक घर घर जाकर के तो प्रोग्राम की बतानी है, और दूसरा उनके स्वागत की हमने सलाह करनी है, वोट की भी अपील करनी है, भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दो, हुड्डा साहब को वोट दो, और उस पॉइंट पे 6 बजे सारे इकट्ठे हो जाओ, वो पॉइंट था मेरे को बता दोगे, हम फाइनल करते हैं, और उसके लिए बता दो आप पॉइंट कौन सा ठीक रहेगा, कौन सी जगह पर इकट्ठा होगा। सड़क के साथ जगह क्यों नहीं होगी ना, जो
के भी ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो भी अपना साथी है, फिर धम भी दो अपनी सलाह, धम भी दो। फिर उसको किस टाइम आऊं? किस टाइम श्याम के टाइम आओ, श्याम के टाइम स्कूल में ठीक रहे छोटे अंदर लो, बड़े में मैन रोड के नीचे अंदर तो जान सकते बारे करने मैन रोड के नीचे